लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए। दोस्तों अभी अभी बड़ी खबर, जय श्री राम के नारे को लेकर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी पर किया ये जोरदार प्रहार, जिससे तृणमूल कांग्रेस में मचा हड़कंप। दोस्तों वीडियो पर एक लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर शेयर कर दे। दोस्तों इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने वापसी करते हुए केंद्र में एक बार फिर से सरकार बनाई है। भाजपा की इस जीत से विपक्षियों में मातम पसरा हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर धमाकेदार बयान दिया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस मुखिया ममता बनर्जी की जय श्री राम के नारे पर प्रतिक्रिया को लेकर कहा कि वह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ है, परंतु उनका व्यवहार असामान्य और विचित्र है। उन्हें अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए, इस पर उन्हें कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की मौजूदगी से वह बौखला चुकी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री का काफिला भाटपरा से रास्ते गुजर रहा था, तभी कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। यह सुनकर ममता एक बार फिर अपना आपा खो बैठी और गाड़ी रुकवाकर नारा लगवाने और लगाने वालों की चमड़ी उधेर कर गिरफ्तार करा देने की बात कहे। सूत्रों की माने तो इसके आगे ममता के आदेश पर जय श्री राम के नारे लगने के मामले में जगदल थाने की पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया था। जिन लोगों ने गिरफ्तार किया गया उन पर मुख्यमंत्री ममता काफिला रोकने हमले की कोशिश करने समेत विभिन्न आरोपों में मामले मुकदमा दर्ज किया गया है।